चाहते हो आप लोग, बोला कि ये ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, काफ़ी ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे आपको, अगर इसमें नहीं जाना चाहते हो, तब बोला कि एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या कहता है कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की आप लोग फाइंड कर लो रैंक, इस मैट्रिक्स की फाइंड कर लो आप लोग रैंक, फाइंड कर लो इस मैट्रिक्स की। अब रैंक कैसे फाइंड करोगे, तो रैंक फाइंड करने का, रैंक की बात कर रहा हूँ मैं, नाम सुने होंगे, रैंक फाइंड कर लो इस मैट्रिक्स की, फाइंड कर लो रैंक। और रैंक अपन कैसे फाइंड करते थे कि अगर मैट्रिक्स जो हमारे पास में दी हुई है, अगर उस मैट्रिक्स को सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स को सबसे पहले अपन चेंज करेंगे एकेलॉन फॉर्म में, उस मैट्रिक्स को सबसे पहले अपन चेंज करेंगे एकेलॉन फॉर्म में। एकेलॉन एक साइंटिस्ट का नाम है। अब इसकी फॉर्म स्पेशल फॉर्म होती है, इसकी फॉर्म क्या होती है कि सबसे पहले फर्स्ट रो, ये तो रो ही है ना, ये सेकेंड रो है और ये हमारे पास में है थर्ड रो। स्टार्टिंग से फर्स्ट रो में अगर एक भी जीरो नहीं है, स्टार्टिंग से ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग से अगर एक भी जीरो नहीं है तो नीचे वाले रो के अंदर स्टार्टिंग से एक जीरो होनी चाहिए और उसके नीचे वाले में फिर एक से ज़्यादा जीरो होनी चाहिए, वो होती है एकेलॉन फॉर्म। फिर से सुन लेना एक बार, एकेलॉन फॉर्म क्या होती है कि अपन इससे भी क्वेश्चन करेंगे, ये भी मैं करना बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक बार देख लो भाई है क्या चीज़ ये। जो मैट्रिक्स अपने पास में गिवन है, जो भी मैट्रिक्स अपने पास में गिवन है, उस मैट्रिक्स को चेंज कर दो एकेलॉन फॉर्म में, उस मैट्रिक्स को चेंज कर दो एकेलॉन फॉर्म में। एकेलॉन फॉर्म में चेंज करने के बाद में ये देखना है आपको कि अगर स्टार्टिंग से, ध्यान रखना यहाँ से, यह नहीं कि यहाँ पे जीरो आ रहा तो एक जीरो आ गया, स्टार्टिंग से अगर एक भी जीरो नहीं है तो नेक्स्ट रो के अंदर एक जीरो होने ही चाहिए, उससे नेक्स्ट रो के अंदर एक से ज़्यादा जीरो होनी चाहिए, यानी जो जीरो है ना वो रो बाय रो इनक्रीज होने चाहिए, जो जीरो है वो रो बाय रो इनक्रीज होनी चाहिए, वो होती है एकेलॉन फॉर्म। अब जीरो बनाने के लिए अपन बचपन में एक मेथड पढ़ते थे, अपन जैसे इसको मान लो जीरो बनाना है, बोले इसको जीरो कैसे बना सकते हैं, बोले कि देख लो ऊपर वाले के अंदर किसी से गुना कर दो और घटा दो। ऊपर वाले को बोला गुना किससे कर रहे हैं, बोला दो बटा तीन से कर दो ना, नहीं जानते हैं क्या अपन गुना करना। अब दो बटा तीन से गुना करने के बोला सबको करना पड़ेगा, बोला सबको कर दो। तो इसको जीरो बनाने के लिए आप लोगों को जो ऑपरेशन लगाना है वो ऑपरेशन या तो रो ऑपरेशन लेके चलोगे या कॉलम ऑपरेशन लेकर के चलोगे, ज़्यादातर अपन रो ऑपरेशन से ही काम करेंगे। रो ऑपरेशन जब लेके चलोगे तो ध्यान रखना कि जो जो ऑपरेशन लगा सकते हो, एक ऑपरेशन तो ये लगा सकते हो किसी भी रो को किसी भी दूसरे रो के साथ में इंटरचेंज कर सकते हो, किसी भी रो को किसी भी दूसरे रो के साथ में इंटरचेंज कर सकते हो, किसी एक रो को किसी दूसरे रो के साथ में प्लस या माइनस भी कर सकते हो, किसी एक रो को किसी दूसरे रो के साथ में प्लस माइनस भी कर सकते हो। थर्ड ऑपरेशन, किसी एक रो को प्लस माइनस कर सकते हो किसी दूसरे रो के साथ में किसी कांस्टेंट से गुणा करके भी प्लस माइनस कर सकते हो। ये तीन ऑपरेशन हमें लगाने हैं किसके लिए, इस वाले के लिए, एकेलॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए, एकेलॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें ये तीन ऑपरेशन लगाने हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास में जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स हमारे पास में प्राप्त हो जाएगी, मैट्रिक्स हमारे पास में प्राप्त हो जाएगी। अब मैट्रिक्स जैसे मिल जाएगी एकेलॉन फॉर्म में, फिर इसको गुणा वगैरह कर दो। जैसे मान लो सपोज करो कि मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 2 3 0 0 2 0 0 0 3, बोले कि ये मैट्रिक्स है क्या एकेलॉन फॉर्म है, बोला हाँ है मैट्रिक्स एकेलॉन फॉर्म। स्टार्टिंग रो में एक भी जीरो नहीं है तो उससे नीचे वाली रो के अंदर एक जीरो होनी चाहिए जो कि है, उससे नीचे वाले के अंदर एक से ज़्यादा होनी चाहिए जो कि है, तो ये हमारे पास में एकेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स है दी हुई। अगर मान लो सपोज करो कि इस थ्री की जगह उठा के मैं कर दूँ फिर से जीरो, इस थ्री की जगह उठा के कर दूँ मैं फिर से जीरो, तो अब वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में माथा मत पीटने लग जाना है,
कि बर्बाद हो गए। ये जीरो भी तो वही है जो ये मान पहले दिया हुआ था हमारे पास में, ये जीरो भी वही है जो पहले दिया हुआ था हमारे पास में। तो अब क्या है, देखो जीरो इंक्रीज हो रहा है क्या रो बाय रो, तो हो रहा है अभी भी, एक भी जीरो नहीं है, एक जीरो आ गया तो ये एक से तीन आ गया, और अच्छी बात है ना, दो ही चाहिए था हमारे को लेकिन तीनों आ गया, आने दो तीनों। बोले कि अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे जीरो कर दूँ और यहाँ पे टू कर दूँ, बोले कि अब है क्या इकलॉन फॉर्म, बोले अभी भी है ये इकलॉन फॉर्म। क्यों है इकलॉन फॉर्म, क्योंकि अगर मान लो इसके अंदर दो जीरो है तो ये अच्छी बात है कि तीन जीरो आ गई हमारे पास में, तो जो जीरो है वो रो बाय रो इंक्रीज हो रही है। जो जीरो है वो रो बाय रो इंक्रीज हो रही है, तो ये भी है इकलॉन फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो इसी टाइप से हमें क्या करना है, सबसे पहले इकलॉन फॉर्म में चेंज करनी है, इकलॉन फॉर्म में चेंज। अच्छा अगर सपोज करो मैं इस वन की जगह उठा के यहाँ पे जीरो कर दूँ, अब है क्या इकलॉन फॉर्म में, अभी भी इकलॉन फॉर्म में है, क्योंकि जीरो रो बाय रो देखो इंक्रीज हो रही है, इसके अंदर एक जीरो आ गया तो इसके अंदर दो जीरो है, उससे नेक्स्ट वाले के अंदर क्या है, उससे ज़्यादा है जीरो, तो जो जीरो है वो रो बाय रो इंक्रीज होनी चाहिए, जीरो जो है वो रो बाय रो इंक्रीज होनी चाहिए, तो अपन कहेंगे कि इकलॉन फॉर्म है इसके लिए, ठीक है। इसी टाइप से हमें देखना है कि इकलॉन फॉर्म में है या इकलॉन फॉर्म में नहीं है, और उसके बाद में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वेरिएबल्स रहेगा उसको गुणा कर दो सीधा सीधा करोगे ना, तो लास्ट में मान मिल जाएगा x3 का, x2 का और x1 का, ऐसे ऊपर ऊपर अपन चलते रहेंगे, आसानी से सॉल्व ये हो जाएगा। तो इसको करने के दो मेथड है, दोनों से मैं क्वेश्चन बताऊंगा। एक मेथड तो ये था, अच्छा रैंक तो वैसे काम नहीं आएगी लेकिन फिर भी सुन लो, रैंक क्या होता है कि इकलॉन फॉर्म में चेंज करने के बाद में जितनी भी नॉन जीरो रो है उस मैट्रिक्स की वही रैंक होती है, जितनी भी नॉन जीरो रो है उस मैट्रिक्स की उतनी ही रैंक होती है। दिस मेथड इज सिमिलर टू गॉस एलिमिनेशन मेथड, सिमिलर टू गॉस एलिमिनेशन मेथड, दिस मेथड इज सिमिलर टू गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसका नाम दे दिया गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, जॉर्डन वर्ड और लग गया था, जॉर्डन साइंटिस्ट का ही नाम है, ठीक है। नेसेसरी इज पार्शियल पाइवोटिंग। ये चीज मैं पहले बताया था कि जो इक्वेशन अपने पास में आएगी नेसेसरी है कि सबसे पहले आपको करना है चेंज करना है पार्शियल पाइवोटिंग में। पार्शियल पाइवोटिंग मतलब वही चीज है कि x1 का गुणांक सबसे पहले होना चाहिए, x2 का गुणांक उसके बाद में और x3 का गुणांक उसके बाद में। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ही नाम दे देगा कि पार्शियल पाइवोटिंग से सॉल्व करो, पार्शियल पाइवोटिंग हमें करना होता है, x1 गुणांक सबसे पहले फिर x2 का फिर x3 का फिर ऐसे ऐसे आपको ये करना होता है पार्शियल पाइवोटिंग, ठीक है। पार्शियल पाइवोटिंग इज आल्सो यूज टू दिस मेथड, used to Gauss-Jordan elimination method, ठीक है। ये सबसे पहले जरूरी होता ही है, this method is also obtained
दिस मेथड इज आल्सो ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ आल्सो ऑब्टेन इनवर्स ऑफ किसके लिए निकालोगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए. इनवर्स ऑफ किसके लिए निकालोगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए. इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. क्लियर है? इनवर्स और फाइंड करना है किसके लिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए. अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है पता ही है. जिसके लिए आप लोग डिटरमिनेंट निकालोगे वो क्या आना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए. जो निकालोगे आप लोगों को क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए. ठीक है, दिस मेथड इज अप्लाइड टू किसके लिए अप्लाई करना है अपने को इस मेथड को? वो करना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए. वो अपने को अप्लाई करना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए. अप्लाई टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. इट मींस ए आई. इट मीन्स ए आई. ठीक है, हेयर आई सेम ऑर्डर. हेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. हेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए मैट्रिक्स. ऑर्डर लेना है अपने को ए मैट्रिक्स वाला ही अपने को ऑर्डर लेना है. देन वी ऑब्टेन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. देन वी ऑब्टेन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आई ए इनवर्स. क्लियर है? समझ गए क्या क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि इसके अंदर जो जो वैल्यू हमारे पास में है दी हुई, उस मैट्रिक्स को सबसे पहले होना पड़ेगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. और उसके बाद में हमें क्या करना है उसको वो करना है. ठीक है, तो पहले एक मेथड बता रहा हूँ, उसी मेथड से रिलेटेड अपन क्वेश्चन कर रहे हैं. ये सिमिलर है गॉस के लिए, इससे काम कुछ नहीं है हमारे पास में. इसके अंदर केवल यही दो स्टेप काम है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है और उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से ऑब्टेन करना है हमें ये मैट्रिक्स, और उसी से हमें मिलेगा ए इनवर्स. और अगर ए इनवर्स मिल जाएगा तो ए इनवर्स से अपन क्या फाइंड कर लेंगे? एक्स बराबर फॉर्मूला लगा देंगे ए इनवर्स बी. इससे अपन निकाल लेंगे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का मान. और एक दूसरा मेथड है जिसका नाम है अपन उसको एकलॉन में चेंज करके करेंगे. इस मेथड से भी अपन इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ. इसके क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम में. फाइंड द इनवर्स
ऑफ द मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 637 6 3 7 1 5 2 1 5 2 थर्ड है 7 2 10 7 2 10 यूजिंग गॉस यूजिंग गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड एंड आल्सो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड आल्सो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या है हमारे पास में तो वही इक्वेशन रहेगी फिर से इक्वेशन क्या क्या है 6x1 + 3x2 + 7x3 x1 + 5x2 + 2x3 थर्ड क्या है 7x1 + 2x2 + 10x3 इक्वल टू 7 - 7 = 13 समझ गए क्वेश्चन एक बार तो देखो इसको मजाक कर रखा है 20 नंबर में 2006 के या 2007 के पेपर में देखना एक साथ ही 20 नंबर का ही पूछ रखा है भी लेंथी है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा एक तो दे दिया मैट्रिक्स जिसके लिए हमें फाइंड करना है इनवर्स उसके बाद में क्या दे दिया इक्वेशन दिया है और इक्वेशन वाले मैट्रिक्स वही रहती है हमेशा बस बेस एलिमेंट तो चेंज होगा और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके किसका वहाँ निकालना है इसको सॉल्व करते हमें निकालना है एक्स वन का एक्स टू का और एक्स थ्री का इन सब के वैल्यू हमें और निकालनी है ठीक है सॉल्यूशन आ जाओ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A, the inverse of the matrix A, using Gauss-Jordan method. using Gauss-Jordan method. is obtained by augmented matrix A inverse क्लियर है augmented matrix given by A I A
इट मीन्स, अब चलेगा पूरा पूरा काम, इट मीन्स ए आई इक्वल, ए मैट्रिक्स क्या है 6 3 7 6 3 7 1 5 2 1 5 2 और 7 2 10 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 के लेनी है, यानी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आ गया हमारे पास में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये हमारे पास में है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हमें इसको चेंज करना है इनवर्स के अंदर, हमें इसको चेंज करना है इनवर्स वाले के अंदर, और उसके लिए हमें क्या करनी है, ऑपरेशन हमें लगानी है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक चीज और देखो, क्या बनाना है हमें इधर वाले पार्ट को, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बनाना है, और आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें इस 6 को तो बनाना है 1, इसको 0, इसको 0, इसको 0, इसको 1, इसको 0, इसको 0, इसको 0, इसको 1, ये बनेगा ना। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करते हैं भाई, ये 0 बन जाए पहले एक बार, फिर ये 0 बन जाए, फिर इधर से 0, फिर अपन ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप काम करना है कि सबसे पहले किसको 0 बनाना है, उसके बाद में किसको 0 बनाना है आपको, वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ऊपर वाले को हमें देखो सबसे पहले 1 बनाना है, तो या तो इसमें 6 का भाग दोगे तो 6 का डिवाइड करोगे तो बोला ये फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेशन 7/6। तो क्यों ना अपने को अधिकार है कि किसी भी एक रो को किसी भी दूसरे रो के साथ में इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी एक रो को दूसरे रो के साथ में इंटरचेंज अपन कर सकते हैं। तो इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं किसको, इसको उठा के ऊपर भेज रहा हूँ, यानी 1 5 2, फिर ये 6 3 7 7 2 10, सेकेंड वाला ऊपर जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1। ऑपरेशन जो लगाते हैं उसको अपन लिखते हैं साइड में, अपन क्या किए हैं R1 को इंटरचेंज किए हैं R2 के साथ में, तो डबल एरो आएगा, R1 को इंटरचेंज किए हैं अपन R2 के साथ में, इसलिए डबल एरो आएगा, क्लियर है। सेकेंड ऑपरेशन R2, इसको 0 बनाना है, क्या कर सकते हैं R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 - 6R1 कर देंगे बन जाएगा क्या 0, ऊपर वाले को तो 6 से गुणा और फिर घटा दें, घटा सकते ना, कहाँ दिक्कत है। और इसको भी 0 बनाना है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, इसको 1 बना दिए ना, उसके बाद इसको 0 बना दो सबसे पहले, फिर इसको 0 बना दो, फिर इसको 0 बना दो, फिर इसको 1 बना, मतलब एक साथ ऐसे करना, ऐसे मत उलझ जाना कि इसको 1 कर दिए ना मान लो, सॉरी कहाँ चला गया, इसको जैसे 1 कर दिया तो अब इसको 0 बनाने लग जाते हैं, इसको 0 बनाओगे तो कैलकुलेशन और लेंथी फंसेगा, तो नीचे ऐसे चला करो कॉलम में, इसको 1 अब इसको 0, इसको भी 0, हैंड टू हैंड बना दो, R3 में भी 0 बनाना है। ऑपरेशन जिसमें लगाना है उसको अपन ऐसे लिखते हैं, R3 में तो लगेगा ऑपरेशन, ऑपरेशन लगेगा क्या, तो वो आपको इसमें चेंज करना है, कैसे लगेगा, R3 में ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R3 - 7R1, इधर तो क्या है A और I, अब जो ऑपरेशन लगाओगे वो पूरे में ऑपरेशन लगेगा, अब जो ऑपरेशन लगाओगे वो पूरे में ही ऑपरेशन आपके पास में लगेगा, जो भी ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है। देखो वैल्यू क्या क्या आएगी, ऊपर वाले तो एजिटिव रहेगा 1 5 2 0 1 0, इसको लगाओगे R2 में, घटा रहे हैं R2 में से R1 को घटा रहे हैं, तो ये तो हो गया 0, R2 - 3 - 6 5 30 30 3 - 30 - -27 7 - 12
माइनस का 5, इसमें 1 ही रहेगा, इसमें माइनस का 6 हो जाएगा, इसमें 0 ही रहेगा। ये ठीक है क्या? एक बार देख लो, चेक करते रहना हर कैलकुलेशन को। माइनस का 27, माइनस का 5, फिर 1 माइनस 6 और 0, ठीक है। थर्ड वाले में 0, ये 33, ठीक है, 33, इसमें 7 से कर रहे हैं, 14 माइनस का 4, इसमें बोले इसमें क्या होगा, 0 रहेगा। नेक्स्ट वाले में 7 से कर रहे हैं, माइनस का 7, इसमें 1, ये बन गया हमारे पास में फर्स्ट ऑपरेशन। अपन लगा करके ये ला दिए, क्लियर है। अब जीरो किसको करना है, इसको जीरो करना है, फिर से ऑपरेशन लगेगा इस वाले में। तो ऑपरेशन अब किस में लगा रहे हैं, आर थ्री में। भाई इसको भी जीरो कर देते हैं साथ में, कैसा भी ऑपरेशन लगाओ, जरूरी नहीं मैं जो लगा रहा हूँ ये ऑपरेशन लगाओ, जो मन करे वो ऑपरेशन लगा दो। तो आर थ्री में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो आर थ्री माइनस, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब इसमें ऑपरेशन लगाओगे ना, तो इसको ऑपरेशन लगाने के लिए काम में लेना इसके जस्ट ऊपर वाला मान। क्यों? क्यों अगर इसको काम में ले लोगे ना, ये चेंज हो जाएगा फिर, क्योंकि तो यहाँ पे 1 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जस्ट ऊपर वाला मान काम में लेना है। ऊपर वाला क्या है, माइनस का 27, ठीक है। तो हमें आर टू, इसको गुना करें, इसको अपन गुना कर देंगे 33 अपॉन में 27, और प्लस करना पड़ेगा 33 अपॉन में 27। ये ऑपरेशन सही है क्या? देखो जीरो बना देगा क्या, 33 अपॉन में 27 बना देगा क्या ये जीरो। माइनस कर दोगे आर थ्री, माइनस माइनस प्लस कर देगा वो, तो ये ऑपरेशन सही है। अब ये मान क्या बना देगा, दूसरे वाले मान को बना देगा जीरो, दूसरे वाले वैल्यू को क्या बना देगा, ये जीरो बना देगा। तो देखो क्या क्या मैट्रिक्स बनेगी, 1 5, ये तो एज इट इज रहेगा, 0 1 0, ये तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। सेकेंड वाला भी एज इट इज रहेगा, 0 माइनस 27 माइनस 5 1 0 1 5 2 0 1 0 1 5 2 0 1 0 1 5 2 0 1 0, 0 27 माइनस का 5, फिर 1 माइनस का 6, और यहाँ से रहेगा 0। इसमें ऑपरेशन अपन लगा रहे हैं, ठीक है। ये 0, ये 0, ठीक है। आर थ्री में ऑपरेशन लगा रहे हैं अपन, आर थ्री माइनस का ये। अब देखो कैलकुलेशन देखो, माइनस का 4 तो एज इट इज है, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो माइनस का 5 गुना कर रहे हैं 33 अपॉन में 27 से, तो 33 अपॉन में 27, क्लियर है। ये वाली वैल्यू हमारे पास में वो क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास में 57 अपॉन में 27, 57 अपॉन में 27 करके देख लेना, 57 अपॉन में 27, ठीक है। तो 0 0, 57 अपॉन में 27, थर्ड जो आएगा वो आएगा 33 अपॉन में 27, 33 अपॉन में 27, 33 अपॉन में 27, ठीक है। ये आएगा थर्ड वाला मान, दोनों को प्लस ही कर रहे हैं तो दोनों ऐड होगा, तो ये देखो ये माइनस का रहेगा। थर्ड वाला अपन क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये प्लस का रहेगा। फिर थर्ड वाला मान देखो 33 अपॉन में 27, फिर यहाँ से देखो क्या मान आएगा, 9 अपॉन में 27 और 1, 9 अपॉन में 27 और ये 1, 9 अपॉन में 27, ठीक है। और ये भी रहेगा माइनस का, ये मैट्रिक्स एज इट इज, और साथ में 0 0 1, 0 0 और यहाँ से 1, क्लियर है क्या।
ये वन हो चुका है, ये जीरो हो चुका है, ये जीरो कर चुके हो, नीचे वाले दो जीरो कर चुके हो, तीसरे जो मान है उस मान को चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। इसी टाइप से आपको चेंज करना है सभी मानों को, इसी टाइप से आपको चेंज करना है सभी वैल्यूज को, ठीक है। अब इसी टाइप से उससे नेक्स्ट वाले में लगाओगे ऑपरेशन, फिर उससे नेक्स्ट वाले में लगाओगे ऑपरेशन, सभी में ऑपरेशन लगाना है हमें, ठीक है। क्या क्या काम हो गया, 100, ये तीन तो बन गए आपके पास में, ये 00, ठीक है। बोला यहाँ पे 27 में दिक्कत आ रही है, तो एक R3 में फिर से ऑपरेशन लगा दो, और ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं अपन, R3 में 27 R3 माइनस का कर देता हूँ 27 R3, ठीक है। तो करते देखो क्या बन जाएगा, ये तो रहेगा हमारे पास, इधर तो रहेगा A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये ऑपरेशन लगाना है, कैलकुलेशन में ध्यान रखना, हो सकता है कोई मान गलत भी लिखा जाए, हो सकता है 57 में 27 नहीं आ रहा हो, 59 अपन में 27 आ रहा हो, सकता है माइनस नहीं प्लस हो यहाँ पे मान, तो ये प्लस माइनस को एक बार चेक कर लेना आप लोग, कैलकुलेटर से काम करना है आप लोगों को, तरीका बता रहा हूँ मैं तो, इसी टाइप से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इस टाइप से सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ मैं तो, सॉल्व कैसे करोगे, क्लियर है। तो वही इसी में देखो आगे, अब क्या है ये मान आगे 152 0 1 0 0 1 0, सेकेंड वाले में 0 माइनस 27 0 माइनस 27 -5 1 -6 1 -6 0, थर्ड वाले में देखो 0 0 57 -33 9 और यहाँ से 1, ये बन गया हमारे पास में 27 को हटाने के बाद 0 0 57 -33 9 और लास्ट वाले में, अच्छा 1 है ना, सॉरी, तो ये 1 के साथ में 27 गुना होगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा 27, यहाँ पे मान क्या मिल जाएगा 27, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास में आएगी वो आएगी 27, क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, इसको जीरो ऑपरेशन लगेगा R1 में, साइड में लिख देता हूँ, और R1 में ऑपरेशन क्या लगेगा, इधर लिख देता हूँ, R1 में लगेगा ऑपरेशन, अब इसको जीरो करना है, R1 प्लस क्या करना है, इसको जीरो बनाना है, इसको तो R1 को क्या करना है, उसको हमें जीरो बनाना है, 5/27 R2 बन जाएगा कि जीरो, बन जाएगा जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस है बार चेक करते रहना आप लोग, देख लेना, हो सकता है कहीं पे माइनस प्लस छूट भी जाए गलती से, ठीक है, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, कैलकुलेशन कई बार हो जाता है, तरीका यही रहेगा फॉर्मेट करने का, तरीका यही रहेगा, हो सकता है माइनस प्लस कहीं पर गलत हो जाए, लेकिन करने में यही ऐसे ही सेम सेम करना है आपको, R1 प्लस 5/27 R2 क्या मिलेगी, देखो मैट्रिक्स ए और यहाँ से आई, यहाँ से देखो क्या मिलेगा 1, ये मिल जाएगा 0, क्लियर है। फिर थर्ड वाला देखो क्या मिलेगा 29/27 और वही ऑपरेशन उधर भी लगाना है 5/27 5/27 -3/27 -3/27 और साथ में 0, क्लियर है। और बाकी जो दो है वो रहेगा एज इट इज, यानी 0 -27 -5 1 -6 0 0 0
57 माइनस का 33, 9 और 27 ये मिल गया हमारा किसके लिए, इसके लिए। देखो क्या क्या बच गया, ये 1 हो गया, हमें तो केवल यहीं तक ध्यान देना है, यही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बस, ये 1 0 कर दिए। अब इसको करना है 1, इसको करना है माइनस का 27 को 1 करना है 27 को, ठीक है। अब 27 को 1 करने से पहले या तो इसको 1 कर दो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि सबसे पहले इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, तो ये पूरी रो की रो खत्म हो जाएगी। कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हो, इसको 0 कर दो या इसमें लगा दो ऑपरेशन। तो ऑपरेशन अब क्या लगाना चाह रहे हैं, अभी ध्यान से देखना, R1 में ऑपरेशन, R1 माइनस, इसको हमें चेंज करना है 29 अपॉन में 27 को, तो 29 अपॉन में 27, और इसको भी हमें गुणा करना है, इसको भी हमें गुणा करना है, वो ध्यान रखना है आपको। काम में किसको लोगे, इसको काम में ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये मुसीबत करेगा, फिर ये चेंज हो जाएगा मान, तो इसको जीरो करने लगे काम में लेंगे ये वाला पार्ट, यानी 29 अपॉन में 27 गुणा 57 आर 3, ये सही लिख दिया क्या मैं, 29 अपॉन में 27 57 आर 3, ये हमें ऑपरेशन लगाना है इस वाले के अंदर। और कोई ऑपरेशन लगाना जानते हो तो वो भी लगा सकते हो, ठीक है, और कोई ऑपरेशन जानते हो तो वो भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑपरेशन लगाओगे तो ये जीरो बन जाएगा, ये मान चेंज होंगे, इसको जीरो बनाने के बाद में फिर इसको वन करना है, इसको जीरो, इसको जीरो, इसको वन, सॉरी ऑपरेशन लगाना है, प्लस माइनस खुद करना, ठीक है। ये ऑपरेशन लगा करके मान आपको निकालने हैं, ये ऑपरेशन लगाने के बाद में ये सारे सारे वैल्यू आपको कंप्लीट करनी है। ऑपरेशन लगाने के बाद में मान क्या आएगा, ये ऑपरेशन अपने को एज इट इज लगाने हैं। ऑपरेशन लगाने के बाद में जो भी अपने पास में मान आएगा वो देखो वो क्या आएगा, इसको जीरो, इसको वन, सबको मान वगैरह निकालना है, ठीक है, ये खुद निकालना है इसके अंदर वैल्यू जो भी ऑपरेशन लगाओगी, क्योंकि कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा जाएगा आगे। तो इसको इधर ऑपरेशन बना करके इधर वाले को आपको जीरो बनाना है, जब इधर वाले को जीरो बनाओगे तो फाइनली जो लास्ट में जो स्टेप मिलेगी आपके पास में ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली, वो तो मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो मिल जाएगी इधर वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इधर वाले जो मिलेगी वो मिलेगी देखो आपके पास में 46 माइनस 16 थर्ड जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 29 4 माइनस का 29 यहाँ से मिलेगा आपके पास में 4 माइनस का 29 4 11 माइनस 5 11 माइनस का 5 उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी 11 माइनस का 5 माइनस 33 9 माइनस 33 9 माइनस 33 9 और यहाँ से मिलेगा 27 और 1 अपॉन में एक सम में से बाहर कॉमन से कॉमन आ जाएगा वो है 57 हर जगह कॉमन आएगा अपॉन में 57 अपॉन में 57 अपॉन में 57 हर जगह अपॉन में क्या है 57 इसके सब के अपॉन में देन ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन 57 बाहर था इसलिए मैं लिख दिया इसको 46 माइनस का 16 माइनस का 29 4 11 माइनस का 5 माइनस का 33 9 और 27 क्लियर है।
तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद में आपको फाइनली जो आंसर मिलेगा ना, वो ये आंसर मिलेगा ए इनवर्स का मान। फाइनली जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ए इनवर्स का मान, ये मिलेगा। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है बीच में, कैलकुलेशन तरीका बता दिया, समझा दिया। और देख लो एक बार कि जो मैट्रिक्स हमारे पास में है ना, कोई मैट्रिक्स जैसे मान लो सपोज करो ये मैट्रिक्स में लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया, ऑपरेशन कैसे लगाओगे एक बार फिर से देख लो। ध्यान रखो हमेशा, सबसे पहले इसको करो वन, सबसे पहले इसको वन, फिर करो इसको जीरो और इसको जीरो, ठीक है, इसको जीरो, इसको जीरो करने के बाद में फिर करो इसको जीरो, फिर बाद में करो इसको जीरो, उसके बाद में फिर से इसको जीरो करने के बाद में अब इसको भी जीरो कर सकते हो आप लोग, या फिर इसको फिर करना है आपको वन। और जब अगर मान लो इसको पहले जीरो नहीं कर दो, मान लो इसमें लगाने लग गए ना, तो इसको वन करने के बाद फिर इसको हैंड टू हैंड जीरो करना है, इसके बाद में फिर यही होगा जीरो, अब फिर उसके बाद में वो जीरो, फिर से ये जीरो और ये फिर से वन। और इसको करने के लिए आपको ऑपरेशन लगाना है, जो ऑपरेशन मन कर रहा है वो ऑपरेशन लगा दो, किसी भी एक रो को दूसरे रो के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, कुछ भी कर दो, ऑपरेशन जो आपका मन कर रहा है ऑपरेशन लगाओ। और ऑपरेशन कैलकुलेशन करने के बाद में फाइनली जो रिजल्ट आएगा ए इनवर्स का, वो हमारे पास में ये वाला मान आएगा कि ए इनवर्स का मान जो आप लोग निकालोगे वो मान ये निकालोगे। क्लियर है? अब इसके साथ में और था, क्या था क्वेश्चन के अंदर, आपके पास में एक मेथड और दिया हुआ था, उससे हमें इक्वेशन को और सॉल्व करना था। देन द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन x इक्वल्स टू a इनवर्स b। ये दूसरे पार्ट का क्वेश्चन है, वैसे दूसरे पार्ट में क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, तो इसके क्वेश्चन अपन और करेंगे बाद में एक आध क्वेश्चन, समय प्रोसेस जो है वो यही लगेगा। x का मान क्या है, x1, x2 और x3, ए इनवर्स का मान क्या है, 1 अपॉन में 57, 46 माइनस का 16 माइनस का 29, 4 11 माइनस का 5 माइनस का 33, 9 और 27। इसको जब सॉल्व करोगे x1 का मान मिलेगा 1, x2 का जो वैल्यू हमारे पास में मिलेगी वो x2 के वैल्यू मिलेगी माइनस का 2 और x3 का 1, x2 का माइनस का 2 और x3 का फिर से 1, तो 1 माइनस 2 और फिर से 1 माइनस 2 और मिलेगा साथ में क्या 1, ठीक है। और बेस एलिमेंट से गुणा भी करना, ही ध्यान रखना, बेस एलिमेंट जो क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ था, बेस एलिमेंट क्या दिया हुआ था आपके पास में, 7 माइनस 7 13, 7 माइनस 7 और ये 13, इस बेस एलिमेंट से गुणा भी करना है। क्लियर है? तो इस टाइप से हमें ऐसे क्वेश्चन को करने होते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स लिखो और उस मैट्रिक्स के लिए बाद में ऑपरेशन लगाओ, और ऑपरेशन लगाने के बाद में ये सारे वर्किंग रूल अप्लाई करने हैं, ये सारे हमें वर्किंग रूल अप्लाई करने होते हैं, ठीक है, सेम टू सेम यही प्रोसेस लगाना है आपको। इसका जो एक मेथड और है जिसमें बताया था मैं, उसको एकलॉन फॉर्म में चेंज करके फिर बनाने के लिए, उससे भी निकाल सकते हो वैल्यू, उससे भी मान निकाल सकते हो, उससे निकालोगे तो जो आपका उसमें मान आएगा वो भी सेम ही वैल्यू आएगी, लेकिन उस वाले से केवल आप लोग x1, x2, x3 के मान ही निकाल सकते हो। यानी क्वेश्चन में अगर इनवर्स निकालना आता है ना, पर इस मेथड से इनवर्स निकाल लो, तो आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा,
अगर क्वेश्चन में आता है कि केवल इक्वेशन को सॉल्व करो तो भी ये मेथड लगा सकते हो, सबसे पहले इनवर्स निकाल लो और फिर निकाल दो मान ये x1 x2 x3 का, तो दोनों जगह काम में आता है ये, दोनों जगह काम में आता है ये। एक मेथड इसका और था करने के लिए कि जो भी इक्वेशन हमारे पास में आती है ना उसी से डायरेक्ट एलिमिनेट करते जाओ, मान निकाल दो, वो भी इसी का एक मेथड है। पता है कैसे? ये अपन BSc में कर चुके थे, ये ध्यान रखना, x2 प्लस का x3 बराबर मान लो दे दिया 9 दे दिया, ये दे दिया x1 प्लस का 4x2 प्लस का दे दिया 3xt बराबर 8, x1 6x2 और ये दे दिया 7x3 बराबर, ये दे दिया 9। फिर से बोले कि इसको सॉल्व करो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से, और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद में इसके मान भी निकाल लो, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद में इसकी वैल्यूज़ भी निकाल लो कि इसके मान क्या आएंगे। क्लियर है? बोला जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे ना गॉस वाले मेथड से, तो गॉस वाले मेथड से सॉल्व करने के बाद में जब आप लोग मान निकालोगे तो इसको अपन एक तरीका और कर सकते हैं इसके अंदर। ये मेथड अगर नहीं लगाना चाहते हो, मान लो सपोज करो कि ये मेथड आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसके लिए एक मेथड और है, मैं रफली बता देता हूँ। इस मेथड से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन में करा दूंगा। कैसे करना होता है हमें कि जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। क्लियर है? ये सेकेंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन देख लो, पाइवोटिंग किया हुआ है पहले से, देखो 2, ये 11 और ये 7, पाइवोटिंग किया हुआ है। इससे क्या होता है दूसरे मेथड से कि सबसे फर्स्ट वाली इक्वेशन से x1 की वैल्यूज निकाल लो और वो पुट कर दो 2 में और 3 में। सेकेंड और थर्ड क्या बनेगा? केवल x2 x3। तो इक्वेशन सेकेंड थर्ड किस में रहेगा? x2 और x3 में। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करो, सॉल्व क्या करो, x2 x3, x2 का मान निकालो, किसके टर्म्स में आएगा? x3 की टर्म्स में आएगी वैल्यू, और उसको पुट कर दो x3 यानी थर्ड इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड रहेगा सारा x3 में। वहाँ से x3 को कॉमन वगैरह लेकर के x3 का मान निकाल लो, वो पुट कर दो ऊपर वाले में तो x2 आ जाएगा, उसको पुट कर दो x1 में तो वो मान आ जाएगा। ये भी काफ़ी आसान होता है मेथड, लेकिन कैलकुलेशन तो करना ही है। देखो कैलकुलेशन इसमें भी करना पड़ेगा, दिमाग कुछ नहीं लगाना है ना, एक बार एक मेथड समझ में आ गया अच्छे से तो बस कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन जिसकी स्ट्रांग है बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। क्लियर है? तो इसी टाइप से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। ये और ध्यान रखना, परसेंटेज जो हमें फाइनल के अंदर ये NA IT फ्लूड जो भी कर रहे हो इन्हीं सबसे परसेंटेज बनती है, इन्हीं में अच्छे नंबर आते हैं। पेपर जो रहा हुआ है फंक्शनल वाला उसके अंदर फिर भी दिक्कत आएगी आप लोगों को, तो उन सभी वाले को इसी टाइप से हमें सॉल्व करना है। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को जो मेथड लगाना है वो मेथड सेम टू सेम यही लगाना, और ये मेथड आपको याद हो तो BSc में कर भी चुके हो, ये मेथड BSc के अंदर कर भी रखे हो। और इसके बाद में जो x1 का मान जो निकालोगे वो x2 वाले के अंदर पुट कर दो, और x2 वाले जो वैल्यू पुट कर दो x3 वाले में। मान लो सपोज करो पहले इक्वेशन के अंदर 3 वेरिएबल्स है, x1 x2 और x3, तो पहले से जब x1 का मान निकालोगे ना तो वो x2 की टर्म्स होगी एंड x3 की टर्म्स होगी आपके पास में, x2 की टर्म्स होगी और x3 की टर्म्स होगी आपके पास में, और वो x2 और x3 का जो मान है आपके पास में उससे फिर से निकालना होता है x2 का मान, उससे फिर से निकालना होता है x2 का मान, और वो x2 का मान हमें पुट करना होता है नीचे वाली इक्वेशन के अंदर, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, उससे हमें मिलता है x3 की वैल्यू, जिससे हमें मिलता है x3 का मान। क्लियर है? ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं अपन, दूसरा जो मेथड बच गया वो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इसी का एक क्वेश्चन और इस वाले मेथड से।